जी, इसको चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्पैगेटीज को बॉईल करना है। मैंने पानी को पहले से बॉईल कर लिया हुआ है। और फजीता स्पैगेटीज है ये हमारे पास। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आपको इसका तैयार मसाला मिलता है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही चटपटा और पिज़्ज़ा टाइप होगा। ठीक है, इसको ये सबसे पहले मैं इसको बॉईल करूँगी और अगला स्टेप में आपको फिर दिखा। स्पैगेटीस को बॉईल होने रखा है उस तरफ, इस तरफ इसके इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लगी हूँ। इसमें मैंने प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, लहसुन, टमाटर और चिकन, चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ठीक है, अब मैं इसका तरीकाकार स्टेप डालूंगी। पैन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ठीक है, 1.5 टीस्पून के बाद लहसुन को मैं थोड़ा क्रश करूंगी। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। हल्का फूका सा इसको मैंने भून लिया है। देखें, ये मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है, तकरीबन मोटा मोटा सा। आप इसको क्रश भी कर, इसके बाद आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने प्यार से अपने घर वालों के लिए चीज़ बनाएंगे, उसमें जायके का फ्लेवर भी साथ साथ ऐड हो जाएगा। इसको मैंने लाइट सा फ्राई किया है, ये आपके सामने है, लाइट सा बस। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ओके, साथ ही चिकन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने इसको चिकन को इसमें हाफ बोनलेस चिकन को फ्राई किया है, तकरीबन 5 मिनट। ठीक है, अच्छे से इसको फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ आपने 1 से 2 चुटकी नमक ऐड करना है, ताकि आपका फ्लेवर अच्छे से लहसुन का, प्याज का और चिकन का आपस में मिक्स हो जाए। और साथ साथ मैंने इस पैकेट को भी फ्राई होने रखा हुआ है। बस 5 मिनट में जो फ्राई होती है, तो इसको मैं, अच्छा फ्रेंड्स, मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक छुरी लें और इसको लाइट से टच करें। जैसे ही आपकी छुरी अंदर चली जाए तो आप समझ लें कि चिकन फ्राई हो चुका है, मैक्रोनी फ्राई हो चुकी है। इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, सॉरी यार, बॉयल हो चुकी है। और मैं इसको ड्रेन करूँगी। ठीक है, इसका जो खास तरीका है वो ये, टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और इनका पानी अच्छे से खुश करना है मुझे। ठीक है, और ये 5 से 7 मिनट में अच्छा सा ये पानी खत्म हो जाएगा और फिर हम इसको मैक्रोनी में ऐड करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको मैंने अच्छे से फ्राई करके इसको खुश करना है। साथ में मुझे इसमें इसका अच्छा मसाला पहले ऐड करने से ये होगा कि अच्छे से इसका फ्लेवर हर चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके बाद इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, मसाला भून जाए। इसके साथ साथ आप चाहें तो वेजिटेबल को अलग से फ्राई कर लें, लेकिन मेरा एक खास ट्रिक है, मैं बीच में ज़रा सा ऑयल रखती हूँ। शिमला मिर्च को लाइट सा फ्राई किया। अगर आपको तो लगे कि ऑयल कम है तो आप इसमें ऑयल ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। ये फ्राई हो गई, साथ में मुझे बंद गोभी को ऐड करना है। इसको मैं फ्राई करूँगी। चिकन मैं पहले से डाल चुकी हूँ, ठीक है, और टमाटर मैंने पेस्ट बना के ऐड किया है। ये हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें आपकी मिक्स हो गई। ठीक है, आप इसका टेस्ट चेक कर सकते हैं इस कंडीशन में। लाजवाब। अब इसमें मैं बाकी का टमाटर पेस्ट जो मैंने अलग से पैन में रखा था उसका, ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, वो ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अच्छे से साफ कर लूँ। इसमें चाहे तो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर इतना पसंद नहीं है केचप का ना। इसके बाद ये मिक्सिंग हो गई। ठीक है, 1 से 2 मिनट बस। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मसाले के हिसाब से नमक कम था, मैंने मज़ीद नमक ऐड कर दिया है।
ताकि मोस्ट हर चीज़ का फ्लेवर इक्वल इक्वल आ जाए, मज़े का आ जाए, आप इसको अच्छे से इंजॉय करें। अब मैं इसमें स्पैगेटीज ऐड कर रही हूँ। चलिए चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज, आपने आँच कम रखनी है, ठीक है? आँच बड़े बर्तन जी फ्रेंड्स, अब मैंने इसको बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात है, आपको इसमें कोई सॉस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सोया सॉस, सिरका या चिल्ली सॉस, इस तरह का कोई भी सॉस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी तैयार है। इसमें मैंने फजीता का जो पैकेट था स्पैगेटी का, वो इस्तेमाल किया है। फजीता का मसाला उसके साथ था, 2 in 1। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखूंगी। उसके बाद आपकी स्पैगेटी रेडी होगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी सर्विंग का तरीकाकार ये है कि इसको आप एक बड़ी से शीशे के बाउल में निकाल लें और अपने बच्चों के साथ, अपने घर में जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ इसको अच्छे से एंजॉय करें। ये फ्रेंड्स, ये देखें, चिकन वेजिटेबल फजीता स्पैगेटी रेडी है। अब आप इसको खूब मज़े से एंजॉय करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।